yes. इस पे लगने वाली बात होगी, अब इस पे लगने वाली बात होगी, दिमाग चलाने वाली, अब इस पे लगाऊं जी, जी। आइए एकदम ध्यान से सुनिएगा, मार वाली बात 10 मिला क्योंकि करोड़ों की बात होने वाली है, बता दूं जी सर, कितना 60 वर्ष एक टीचर अपने जिंदगी में नौकरी करता है, कितना 20 साल का अपना आधार कार्ड में यूज किया, उम्र का 40 साल नौकरी का, सर भी वंश या चेक कर लीजिएगा खाता में 1 करोड़ आ जाता है नहीं सर, हिल गया ना जी, जिंदगी का कितना हिस्सा निकल गया 90% बीएसएफ दफ्तर में जी सर, हुजूरी में कितना खत्म हो गया, अब ये बुरा मत मानिएगा, ऐसे कोई टीचर नहीं बनेगा, बने नहीं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, एक टीचर 60 साल में 1 करोड़ रुपया भी नहीं कमा पाता, आप 3 साल देंगे जी, या तो 40 साल या तो 4 साल, या तो 40 साल या तो 4 साल जिंदगी करवट करिए, या तो 40 साल की तरफ चले जाइए या तो 4 साल में आ जाइए, 4 साल करेंगे जी, 4 साल करेंगे जी, 3 साल में चेंज कर दूंगा, गारंटी है, प्रमाण दे रहा है, स्टाम्प दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपया लेने के लिए 5,000 रुपया लेने के लिए 8 घंटा जाप करना पड़ता है जी सर, 10,000 करने के लिए और जाप करना पड़ता है जी, 50,000 करने के लिए और जाप करना पड़ता है जी, अगर मैं ना बोलूं तभी भी 1 लाख आ जाएगा, लेकिन सर बोलना ना बंद नहीं होगा क्योंकि 1 लाख रुपया का प्रश्न है। 3 वर्ष अभी देखिए, अब सारे लोग बोलेंगे सर यस मैं 1 करोड़पति बन गया, बना दे बाबा, 3 वर्ष चलिए शुरुआत करते हैं 2023 में, आज अभी 10-12 दिन बीता है जी, 2023 ध्यान से सुनिएगा, 2023 में हम साइन अप करने चल रहे हैं क्या YTM, 2023 में एक साल में कितना दिन मिलते हैं 365 पक्का मिलेंगे जी, कोई भी सरकार आ जाए कोई चेंजिंग इसमें होने वाली नहीं है, 365 दिन मिलेंगे, और 365 बार के 20 रन मारना है तो कोई मार सकता है कि नहीं, मार सकता है, मार देंगे जी सर, 365 दिन में 20 लोगों को छोड़ दीजिए, कितने दिन में 365 दिन, 365 दिन में किसको जोड़ना है 20 लोगों को, कब जोड़ना है, न पार्ट टाइम न फुल टाइम न स्पेयर टाइम ओवर टाइम, जब मर्जी तब, अपना काम करते हुए आज मन करेगा मौसे के बता दे, बता मौसा के आज मन करेगा चलो मामा के बताए, मामा मामा सुनो आज मन करेगा दोस्त के बताए, यानी जब मर्जी तब अपना बिजनेस करते हुए जी, यानी फ्री टाइम सर, कितने लोग मानते हैं 20 लोगों को जोड़ा जा सकता है यस, करोड़पति बन गए, देख लीजिए रिजल्ट, एक साल में कितने लोगों को जोड़ना है 20 लोगों को, जब मर्जी तब, चलते हैं 2024 में, फिर कितना टाइम मिलेगा 365 दिन आएगा, जिस दिन उस महफिल में बोलेंगे कि 20 लोग जोड़ना है तो जो आएगा आपसे कमजोर होगा क्या, नो सर, नहीं है कमजोर मिलेगा, ये 20 सही लोग कितने लोगों को जोड़ देंगे 20 को, 20 लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 2024 में 400, फिर चलते हैं 2025, फिर आएगा 365 दिन, फिर ये लोग भी कम नहीं है, कितने लोगों को लाएंगे 20 लोग, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, कितने लोग हो जाएंगे 8,000, 3200 में 2.5 लाख, 8,000 में 10 लाख, आएगा नहीं आएगा जी सर, 3200 आईडी है जी, अगर 3200 लोगों को लगा करके 2.5 लाख रुपया कमाया जा सकता है महीने का, तो जब 8,000 होंगे तो सोचिए एक बार कल्पना करिए सर, दिख रहा है नहीं, बिल्कुल सर दिख रहा है जी, लेकिन एक करोड़ आपके दिमाग में सवाल भी होगा, उसको भी खारिज करके दिखाता हूँ, लेफ्ट राइट माइनस निकल देंगे, ध्यान से सुनिएगा, 1250 पॉइंट लेफ्ट और 1250 पॉइंट राइट, 5,000 की आईडी को मैंने चेंज किया, 5,000 से लाऊंगा सिस्टम में, माल मिल जाएगा 10,000 का, लाइबिलिटी फ्री रहेगा, और इसी पर शुरुआत कर लेते हैं सर, यार 1250 और 1250 कितने लोग निकल गए, निकाल गए इसमें से कितने लोग निकल गए 2500, कितने बचे 5500, बच गए ना जी, जिस दिन 1250 लेफ्ट और 1250 राइट में हो जाता है पॉइंट, आपके खाते में साहब 30 लाख
30 लाख और हमारे कंपनी में क्या बन जाएंगे? डायमंड डायमंड ये कई बार चमचमा जाएंगे। जब खर्चे में 30 लाख तो बोलिएगा जीएसटी लेकर तैयार हूँ साहब, जीएसटी दे रहा हूँ 30 लाख। ईगो मत समझेगा, आज भी अपने बैंक में जाता हूँ तो विड्रॉल नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी में सारे चीज जानिएगा, सबसे बड़ा गरीब हुआ है जिसके जिंदगी में कोई डिसीजन नहीं है, ड्रीम नहीं है साहब, जिसका कोई सपना नहीं हो वही गरीब है साहब जी। सपना क्या होना चाहिए? मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास मकान होना चाहिए, इस तरह पर मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए और घूमने की आजादी होनी चाहिए। क्यों सर मानते हैं? जी सर। चार चीज जिसने जीवन में नहीं ठान लिया, बुरा मत मानिएगा, ऑटो चलाते थे दूसरे के पत्नी को धक्का मार के बैठा देते थे, मर वही मत आकर आता बैठे बा हम कभी टंगा जा जगह नहीं बा। ये भी कोई जिंदगी है साला, उसी दिन कसम खा ली साला, तू धक्का मारा है ना, खुद की गाड़ी होगी रे, अब नहीं बैठेगी मेरी पत्नी। बसों के अंदर देखिएगा दोनों ड्रीम ऐसे ऐसे झूलते हैं, कंडक्टर बोलता है बुढ़ा हो और पति भी पीछे पत्नी भी पीछे, आग लगती है क्या? नो कभी रोक पाता है क्या? आग ही नहीं लगी तो पत्नी धक्का खाएगी, आज आपकी बेटी बहू की तरफ कोई नजर उठा देगा मार हो जाएगा कि नहीं? जी सर। आपके सामने अपनी बेटी बहू को धक्का मार के बैठा लेता क्या करते हैं? कुछ कर पाते हैं क्या? इसलिए नहीं कर पाते हैं कि मेरे पास मजबूरी है साला, कहां की मजबूरी है रे, तोड़ देंगे इसको, मैं कसम खा लिया हूं सर। एक व्यक्ति को एक पाइप्स की बीमारी होगी ना तो बीमार हुआ पड़ेगा, किसी को पाइल्स हो गए ना तो बीमार हो पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई गरीबी की पाइल्स लग गई ना तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, पूरी खानदान बर्बाद हो जाएगा। गरीबी की बीमारी इतनी कठोर होती है साहब, मैं देखा हूँ साहब, मेरी जब शादी हुई थी ना तो पान की दुकान पे था जी, मेरा ससुर पूछे कितनी जमीन है, हमको नहीं पता है जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे चेहरे को जो लाखों लाखों गरीबी को देखा ना, 8,000 की ऑटो चलाते थे, पत्नी जो थी वो हमारे जग लगाती थी कि दाबिया ना, पत्नी बोलती थी हाथों से कब का लिख जाएगा, हमने कहा क्या करें, 2025 में 2012 में डिसीजन लिया कि लोन पे लूंगा लेकिन गाड़ी नहीं चाहिए। 2013 में सर मैंने उसी गाड़ी का लोन भरा और आज भी हमारे बैंक पे पता करिएगा, पहला बैंक मैनेजर बोला कि सर बैंक में पहला व्यक्ति हो जिसकी एमआई हमारे ऊपर गिर गया 367 रुपया, इतना किस्त जमा किया 367 रुपया चढ़ा दिया था एक साल में साहब, गाड़ी फ्री करके 2016 में तीन गाड़ियों का मोटर मालिक हूँ साहब, तीन गाड़ियों का मोटर मालिक हूँ। आज 2019 में ऐसे ही सपने पर पूरा करने वाला एक व्यक्ति आया और 3 महीने के अंदर पूरी देवरिया में डस्टन कार 6 लाख जीत कर लाया था साहब, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, मुझको जो देख करके 2500 दिया वो अमीर होना चाहिए रे जी, मुझे सब अमीर होने से कोई मतलब नहीं है। और हमको जब चयन किया था सूर्यनाथ गिरी सर ने, अभी सीएमडी सर गए थे यहाँ पे 2-3 लोग, बोले अगर कोई भूल कर भी वो ATM बता दिया रे अपने घर में उसका फोटो लगा देना मेरे भाई, अगर कोई भूल कर ATM बताया था उसका फोटो लगा देना, अगर तेरे नीचे डाउनलाइन में जो कामयाब तुमको बना रहा उसका भी फोटो लगा देना साहब, हमारे गांव में पाली ऐसी मेरी बनने जा रही है तैयार है। साहब को बोले थे कि साहब जुनूनी आदमी हूं, उसी दिन बोले बंगला बनकर तैयार है और पाला फोटो दरवाजे पर आपकी लगेगी साहब, ए सुन 1 लाख तू कमाया है, सुन 1 लाख तू कमाया है, मैं कसम खाता हूं साले को, जब तक 1 लाख रुपया कमाने वाले 1,000 लोग नहीं होंगे साले मैं रात रात दिन दिन भर करके मर जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने कोई गरीब नजर नहीं आएगा साहब। ये बट्टा करा के साहब इस बिजनेस में यहाँ पे 30 लाख रुपया आएंगे, कंपनी में डायमंड बन जाओगे सर, यहाँ पर माइनस करते हैं 2500 लोगों को पॉइंट करते हैं सर, कितने लोग निकल गए? 5000 माइनस कर लीजिए सर, कितने बचे? 500 बच गए साहब ना, कंपनी में डबल डायमंड होते सर जी 70 लाख चेक कर लीजिएगा हमारे यहाँ, कंपनी में क्या बन जाएंगे? 1 CR दिख रहा है सर जी, 1 करोड़ रुपया आया कि नहीं आया? यस सर। आप बोलेंगे सर इसमें बहुत पागल आएंगे, बहुत मैं कहूंगा तो करेंगे नहीं साहब, 5000 लोगों को मानता हूँ कन्वर्ट कर दीजिए, ये फेलियर है साहब, आए तो थे लेकिन चले गए क्रिप्टो क्रिप्टो के चक्कर में,
आए थे लेकिन चले गए किराना की दुकान पे, आए थे लुधियाना कमाने के लिए चले गए, 5,000 लोग क्या हुए फेल हो गए जी, जी। काम नहीं किए, कितने लोग काम करने वाले हुए 3,000 2,000 फाबा 2,000 निकाल दे, 2,000 और लोग मेरे साथ काम नहीं करेंगे, मानते हैं इतना ही ना हो सकता है, कितने लोग काम करेंगे 1,000 लोग एक ही आईडी लगाते तो एक महीने कितनी आईडी लगेगी जोड़ लीजिए, 1,000 लोग ही एक आईडी लगाते तो आईडी कितने लगेगी 1,000 साला को इनूरा को लोग दे रहे हैं जो 12 करोड़ आने वाला है। वाह 1,000 लोग सफल होंगे, मल्टीप्लिनियर वाले को देख लीजिएगा, 12,000 लोगों का प्लान किया था, 9,000 लोग निगेटिव लाल मिले, 85% आया, 3,500 लोगों ने एक्सेप्ट किया, आगे आया 11 लोगों को उठाया, 9 लोग फ्लॉप किए और सभी मल्टीप्लिनियर बन के दिखाया था साहब। गूगल से पूछिए ना, ये गूगल से पूछिए, मैं कहता हूँ 10-20,000 रुपया नौकरी के लिए मैं लुधियाना पंजाब हूँ, 10-20,000 रुपया नौकरी के लिए परेशान हूँ, और हमारे पिताजी कहते हैं बेटा यहाँ जब बहुत तबियत खराब है, कल हम अपने पापा से पूछे अगले सर ऊपर ट्रेन में बतलाए थे जी, कहे की सर जी देवरिया में भी वृद्धाश्रम है, हम कहे कहा है सर बताइएगा, पापा से बोला हूँ कि कल मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम, सर कह रहे थे कि मैं बोला हूँ कि वृद्धाश्रम जाऊंगा, मैं पूछूंगा क्या कमजोरी रही आपकी जी बिल्कुल, और मैं वहां पर एक्सेप्ट करके आऊंगा, क्या चाहिए बताइए जी, जी। मैं साहब के सामने घोषणा कर दिया हूँ, जिस दिन डबल डायमंड होगा मेरे चेहरा पर खुला चलेगा सारा गरीबों का भोजन लगाऊंगा सारा, संकल्प बोला साहब, क्योंकि मैं गरीबी को देखा हूँ साहब, आंखों से पानी निकलता है जब हकीकत की तरफ जाता हूँ साहब को, मैं कहता हूँ यहाँ पे 1,000 लोग मेरे किस्मत को जगा देंगे, छोड़ना 3 लोग भी बना देंगे मेरे भाई, हमारे सूर्यनाथ गिरी सर कहते दुनिया भाड़ में जाए मंटू सिंह तू जिंदा रह, मैं कोहिनूर बन जाऊंगा। वाह इस प्राण का पावर एक बार देखिएगा, दुनिया में अगर एक गरीब का बच्चा अमीर हो सकता है तो पावर होना चाहिए MLM डायरेक्ट सेलिंग, एक बड़ी गरीब का बच्चा यहाँ आएगा कब रातों रात अमीर हो जाएगा किसी को पता नहीं लगेगा, अमीर बनाने का कोई फार्मूला हो तो बताइएगा आईडी लगा दूंगा, कहीं 10-20,000 देना पड़े तो दे दूंगा। 2012 में मेरा लड़का इसी में 2020 में मेरा लड़का बोला कि पापा इंटर कर लिया है नौकरी कहीं नहीं मिलेगी हमको, फार्मेसी करा दीजिए, हमने कहा कितना लगेगा, कहा 1,20,000 पता किए सारा खटिया खसा गई जी, ऑटो चलाने वाले 1,20,000 देगा कहां से, और पत्नी से यही कह रहे थे कि अगर 2021 में पास हुआ होता ना तो कैसे खोजते गाड़ी बेच देते, लेकिन फिर यही सोचते थे कि अगले साल का फीस कहां से देंगे, साहब प्रणाम करते इस चेहरे को जिन्होंने मेरे जिंदगी में 2021 में आया, आज लड़का हैदराबाद में फार्मेसी कर रहा है, लड़की इसमें इंजीनियरिंग कर रही है, एक लड़के और एक लड़की को सफल जिंदगी देख रहा हूं साहब, और काम करने का अगर तजुर्बा देखेंगे तो कहेंगे पागल कभी पत्नी की आईडी नहीं जाता, कभी बेटे पर नहीं जाता, लोग काम करके दे देते हैं साहब, इस बिजनेस का पावर। एक चीज और बोल करके अपने बाड़ी को विराम दूंगा, क्योंकि आग को लगनी चाहिए साहब, आप लोग होपलेस नहीं हो रहे हैं, नहीं नहीं सर बिल्कुल मत होइएगा यार, 3 घंटे का पिक्चर होता है और पहले ही लोग पहुंच जाते हैं कि सीरियल कहीं निकल ना जाए जी, क्यों सर मोबाइल साइलेंट उस समय अगर पत्नी फोन कर दे तो क्या होगा, रख यार समझ रही, अभी चल रहा है एकदम फ्रंट पे है, ताश खेलने वाला भी समय नहीं छोड़ता है साहब जी, आप लोग